प्याज की महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नायाब तरीका अपनाया है। आने वाले समय में बढ़ते दामों पर काबू पाया जा सके, पूर्वांचल में प्याज की पैदावार बढ़ाने की कवायद शुरू की जा रही है। इसके लिए किसानों को जागरूक करते हुए उन्हें प्याज के सीड यानी कि बीज मुफ्त दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हो गई है। वाराणसी के जिला उद्यान विभाग में बंद पैकेट में रखे गए ये बीज प्याज के हैं, जिससे कि प्याज की बुआई होती है। अच्छे किस्म के इन बीजों को अगर किसान खरीदने जाएं तो काफी महंगा पड़ता है, लेकिन इस बीज को सरकार वाराणसी और आसपास के जिलों के किसानों को मुफ्त में दे रही है, ताकि वो प्याज की बुआई कर सके, जिससे प्याज की पैदावार अधिक हो। पहली किस्त में लगभग 200 किसानों को ये बीज वितरित किए जा रहे हैं। 16 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए इस बीज को दिया जा रहा है। जिस किसान के पास इतनी जमीन है वो उद्यान विभाग में संपर्क कर यहाँ से बीज ले जा सकते हैं। उद्यान अधिकारी ने बताया है कि इस योजना से वाराणसी और आसपास जिलों में प्याज की अधिकता होगी और बाहर से डिमांड कम होगी। ऐसे में प्याज के दामों पर लगाम लग सकती है, जिससे आम जनमानस के साथ साथ किसानों को भी लाभ है। वहीं किसान सरकार की इस पहल से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे आने वाले समय में प्याज की पैदावार पूर्वांचल में और बढ़ेगी। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि इस कदम से कालाबाजारी और महंगाई दोनों पर लगाम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।